आई डू नॉट नो कहाँ राजनीति करनी है, कहाँ काम नहीं करना है। जो आया, जो कोई भी मेरे पास आया, दो ही चीज होना चाहिए, मेरे क्षेत्र का होना चाहिए और वो ताकत मेरे पास होनी चाहिए जो वो काम करने को कहना है। चाहे FIR हो जाए मेरे ऊपर या कुछ भी हो जाए, काम करके रहूंगा। उस स्पिरिट से काम कर रहा हूं शुरू से, जिस दिन से आपने मुझे बताया कौन है। और ये स्पिरिट चलता रहे और ये स्पिरिट जिंदा रहे, ये जो भाव, गहरा भाव है कि राजनीति के जरिए सेवा करने का जो भाव मेरे मन में है, इसको आग आपने देनी है, इसको बढ़ाना आपने। काम तो अपनी जगह है ही, काम कहीं नहीं जाता। जब तक मैं हूं, जब तक आपने मुझे ये दायित्व दे रखा है, जब तक आपने मुझे इस कुर्सी में बैठा रखा है, काम तो कहीं नहीं जाता, काम तो करवा के रहेंगे। चाहे काम किसी भी डिपार्टमेंट का हो, MCD का हो, जल बोर्ड का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, DDA का हो, किसी चीज का भी हो, क्योंकि जो ताकत आपने बख्शी है वो ताकत आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। दो तरह के नेता होते हैं, एक है कि वे आप वो कह करके किसी तरीके से उस चेयर पे आ जाएं, उसके बाद उनको अपने चलानी है, आपके लिए फुर्सत नहीं है, उनका अपना पर्पस है। मैं कोई आसान वाला आदमी नहीं हूं, मतलब जो मेरी पोजिशनिंग है, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में मेरे जैसा आदमी विधायक नहीं बन सकता, गलत तो नहीं कहे मतलब, ऑर्डिनरली मेरे जैसा आदमी विधायक नहीं बन सकता। मुझे लिखवा लीजिए, आप में से कोई भी ये ख्वाब नहीं दे सकता कि मैं विधायक बन जाऊं। क्यों? वो टिकट नहीं मिलनी भाई साहब आपको, पहली तो कॉस्टली टिकट मिलती है, 1-2 करोड़ का तो टिकट ही आता है, कहां से लाओगे आप 1-2 करोड़। उसके बाद इलेक्शन जीतने के लिए 5-7 करोड़ लगाने उसके ऊपर, तो जिस किसी ने भी 1-2 करोड़ 5 करोड़ लगा दिया, वो आपके सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है, वो कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट तो निकालेगा पहली बार। एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस, मैं सही बोल रहा हूँ आपको। आपके साथ के जो RWA के साथी हैं, इन्होंने मुझे काम करते देखा है, कई बार ऑफिस में बैठे इन्होंने काम करते देखा है, किस गति से काम करता हूँ, क्या करता हूँ, ये वो चीज देखने वाली है। परमात्मा ने जो मुझे आपके जरिए शक्ति दी है, उस शक्ति का इस तरह का उपयोग, सदुपयोग मैं भी अपने आप को देखकर कभी कभी चंबित रहता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। मॉर्निंग 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक काम करता हूँ। अब क्या है कि हम लोगों ने, चूंकि आज घर की तरफ बात कर रहा हूँ, तो मन की बात तो रेडियो से होता है, हम तो आपको फेस टू फेस कर रहे हैं। ये सारे काम हो पाए आपके कहने के अनुसार, आपके आज्ञा के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार, ये अपना दीवाल का बनना और उसके ऊपर जो जितने बड़े बड़े काम थे हमारे यहाँ, आपके कई असंभव काम थे जो काम हमने कराए, लेकिन ये तभी होगा जब तक कि मैं बैठूंगा चेयर पे। अगर मैं चेयर पे ही नहीं रहा, अगर हमारी पार्टी चेयर पे नहीं रही, तो कहां से काम होगा? डाक के 3 पात। And believe me, in the name of God, I'm saying this. अगर ये नेता चाहे, अगर चाहते होते मेरे आने के पहले, मेरे कई साथी कई और पार्टी के बैठे यहाँ पे, तो एक समस्या ही रहती नहीं, क्या क्या मांगना पड़ता है, मतलब छोटे छोटे काम के लिए, एक जो सीवर लाइन डलवा दो, एक पानी का लाइन डलवा दो, एक सड़क बनवा दो, एक लाइट लगवा दो, एक वो छोटा सा टुकड़ा DDA पार्क का बनाया जो हमारे लिए करवा दो, मतलब आपके डिमांड्स इतने मिनिमल हैं, इतने मिनिमलिस्टिक हैं। वो तो व्यवस्था अगर ठीक हो ना, ये सिस्टम अगर ठीक हो और ये ऑटो पायलट मोड में हो, तो आपको फोन करने की जरूरत ही ना पड़े। व्यवस्था इतना करप्ट कर रखा है लोगों ने कि आज जब मैं काम करने का प्रयास करता हूं तो बहुत रेजिस्टेंस होता है। लेकिन मेरा अंतोगत्वा, ये जो पर्पज है, जो मिशन है, कि आपके और सिस्टम के बीच से मैं हट जाऊं, व्यवस्था इतनी ठीक कर दें, अधिकारी इतना चुस्त हो जाए, व्यवस्था इतनी चुस्त हो जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन इतना चुस्त हो जाए कि मुझे ना तो उसको फोन करने की जरूरत पड़े, ना आपको मुझे फोन करने की जरूरत पड़े। भाई प्रूनिंग करनी है। अब प्रूनिंग के लिए वाई शुड अ रेजिडेंट कॉल MLA?
जो आपके एमसीडी हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो घूम क्यों नहीं सकते पूरे क्षेत्र में? अगर वो घूमते रहे ऑटो पायलट मोड में घूमते रहे कि भाई कहाँ ट्रैफिक लाइट पे लाइट वो आपका पेड़ पौधा आ गया ब्रांच आ गया, क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि जो चाहते हैं कि आप पहले दरवाजा खटखटाओ विधायक का, काउंसलर का, एमपी का, उसके बाद वो आपको उपकार करता दिखेगा। हाँ जी गया था सोमनाथ जी के पास और तुरंत उन्होंने फोन कर दिया, यही है ना, और बड़ा आनंद देता है। मुझे लगता है कि मैं मुझे फोन करने की जरूरत ही क्यों पड़े। मुझे आशा थी कम से कम एसएफएस फ्लैट से एमसीडी के अंदर एक मिरेकल होगा। एसएफएस फ्लैट्स में जो कि हमने इतना दिल से काम किया आपके यहां, मैंने कहा भाई काम की राजनीति करके दिखाएंगे कि काम करोगे तो बचोगे, अगर काम ना करोगे तो ना बचोगे। मेरी ये मंशा थी कि हौसखास का एसएफएस फ्लैट्स इस बात को प्रदर्शित करेगा कि जी जो काम करेगा हम उसके हैं, जो काम करेगा हम उसके हैं, हम किसी पार्टी के ना हैं। गलत तो नहीं कह रहा क्या? इतना करने में इतना इतनी इतनी मांग रखने में कोई तकलीफ? इतना डिमांड रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं ना मैं, इतना कह रहा हूं मैं। जिस संख्या से उस दिन बैठे थे वहां जब जब चुनाव के वक्त एक मीटिंग हमारी यहां हुई, मुझे लगा जी कि इस बार एसएफएस फ्लैट्स इतिहास लिखेगा। लोगों ने मुझे कहा नहीं भाई साहब ये भाजपा वाले हैं, आपसे काम कराएंगे और वोट उनको देंगे ये। मैंने कहा सबको, मैंने कहा तुम सब गलत साबित हो गए इस बार, लेकिन सही साबित हो गए। दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ भाई, किसको वोट दे दिया हमने? क्या ये भाजपा पहले यहां काउंसिलर में नहीं थी? जो काउंसिलर पिछला किसका, किस पार्टी का था? उसी पार्टी का था, 5 साल थे उसको। आपको पता है कि भाई किस तरह से आपको मुसीबत झेलनी पड़ी इस दीवार को बनाने में, 1.5 साल लगा, और आपको कितनी झेलनी पड़ी, आपका आरडब्ल्यू के मोबाइल कितनी झेलनी पड़ी बड़ी पेशेंस में। उसके बावजूद भी सोमनाथ भारतीला कहता गया कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन शिकारी आएगा दाना डालेगा, जान में नहीं फंसना, फंस गए। आप ले लो, आप उस भाई साहब से फोन करके देखो, भाई साहब चुनके आ गए भाजपा जी को, मोदी जी को देख करके उन्होंने वोट दे दिया उनको, अब चुनके आ गए, उनसे बात करके देखिए, उनका आईक्यू का लेवल देखिए, उनको व्यवस्था के सिस्टम्स को जो नीतियां हैं उसको समझने का लेवल देखिए, अब काम करा के देखिए, ना होता अब फिर बच गए आप, है ना, वो शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं, फिर कहते रहे फंसते गए, कहते रहे फंसते गए। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों ने मेरे जैसे आदमी में इन्वेस्ट किया है, मैं इन्वेस्टमेंट हूं आपका, मैं राजनीति में अपने करके नहीं आया, ना तो अपने करके आया ना अपने बल पे आया, ना अपने करके आया ना अपने बल पे आया, ताकत आपकी है। मेरे ऐसा इंसान अगर आज आपका विधायक है तो ताकत आपकी है, उसमें आस्था रखिए, गवाइए मत। टीवी कुछ भी कह रहे, जब आपके पास जीता जागता सोमनाथ भारती आता रहता है, उसको आप परखते हो, बात करते हो, उसे सवाल पूछते हो, तो टीवी कुछ भी कह दे, अखबार कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है? भाई जो हमारा काम करता है हम उसके, अगर इतनी सी लाइन में विश्वास ना है तो फिर तो वो राजनीति उनकी उनकी ठीक है कि वो करते रहे। भाई अभी तीज का चला फंक्शन, इसका था ना भाई चला, तो तीज के फंक्शन में क्षेत्रीय काउंसलर्स ने बड़े बड़े पार्टियां दी, अब मैं पूछूं भाई पैसा कहां से आता है, अब पार्टी दू कहां से? चुनाव के वक्त और पार्टी के कैंडिडेट्स ने दारू पार्टी दी, बिरयानी पार्टी दी, पैसा पानी की तरह बहाया, पैसा आता कहां से है? तो चकाचौंध में अगर आप गुम हो जाइएगा तो फिर ऊपर वाला मान लीजिए। देखिए आपके जो जो लोग मुझसे कांटेक्ट, जो कंटिन्यूस कांटेक्ट में, वो बता देंगे कि मैं किस तरह से काम करता हूं, लेकिन मैं जिंदा रहूं राजनीतिक रूप से ये आपका दायित्व। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक परमानेंट सेवक मिल जाए, कहने वाला नहीं करने वाला, तो आपको मेरे में आस्था रखनी पड़ेगी
ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में आस्था रखनी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा सोमनाथ जी चिंता ना करो, आप काम करो, वोट वोट तो हम संभाल लेंगे। गलत नहीं करा, अगर इतनी आशा मैं रख सकता हूं तो मुझे कह दीजिए कितना ठीक है भाई, तुम आशा रखो क्यों है कि नहीं। क्योंकि देखिए मैं तो काम करने आया हूं, मेरे पास 2.5 साल पक्का और है, 2.5 साल खूब काम करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि भाई कहां जा रहे हो यार, तुम्हारे तुम समझते नहीं हो, राजनीति बड़ी खतरनाक चीज है, तुमसे गधों की तरह काम कराएंगे। मैंने कहा मैं काम करने ही आया हूं, वोट कहीं और देंगे। मैंने कहा वोट के लिए आया नहीं था मैं, जनता ने मुझे 2 मौका दिया है विधायक का। मेरी आशा थी कि अगर काउंसलर हमारा आ जाता ना तो आप पिसते नहीं, अभी आप पिसोगे। कैसे पिसोगे? आप जाओगे वहां कि काउंसलर साहब ये हमारा काम है, अरे भाई आप सोमनाथ जी से बात करिए, उनका ये उनका उनकी जिम्मेदारी है। आम आदमी को क्या पता है किसकी जिम्मेदारी है, क्या पता आम आदमी किसकी जिम्मेदारी है और क्यों पता हो उसको। जैसे ही काउंसलर साहब चुनके आए, सांसद महोदय चुनके आए, तो मैंने तुरंत चिट्ठी लिखी, फिर चिट्ठी लिखी इस बात कि भाई जनता भोली होती है, जनता को नहीं मालूम कि किसके पास क्या दायित्व है। तो क्या हम दोनों बैठ करके आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना लें कि जो आपका दायित्व है उसको आप संभालें, जो मेरा दायित्व है उसको मैं संभालूं, और हम दोनों में एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपके पास पानी वाला आ जाए तो बोलो कि जी सोमनाथ जी को मैं फोन कर देता हूं, अगर आपके मेरे पास सफाई वाला आ गया तो मैं उनको आपको फोन कर देता हूं, या कम से कम अधिकारी को बोल दें कि भैया जैसे एमसीडी का अधिकारी है उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो जाता है काउंसलर की तरफ से कि भैया सोमनाथ जी के यहां से कोई इंस्ट्रक्शन आए मत मानना। लेकिन मैंने आज तक नहीं दिया अपने जल बोर्ड वालों को, जल बोर्ड मेरे अंदर डायरेक्टली आता है तो पानी सीवर की, मैंने नहीं कहा कि भैया काउंसलर की तरफ से अगर आपको आए तो मत मानना, नहीं कभी नहीं कहा। मैंने कहा भाई चुना हुआ प्रतिनिधि है वो, अब चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो क्या फर्क पड़ता है, हमारी जनता तो ना पिसा है बीच में। मैंने खूब दिल खोल के लिखा कि बड़े मैंने आपको लिखित में साइन करके डॉक्यूमेंट दिया था कि जी क्या है सोमनाथ भारती के सपनों का मालवीय नगर विधानसभा, तो लिख के दिया था उसमें अगर एमसीडी आ गई तो क्या क्या बेंचमार्क होगा, किस तरह से सफाई का मैं जिम्मेवारी लूंगा, किस तरह से सड़कों का, बारिश का पानी इकट्ठा ना हो उसका, पार्क का, पार्किंग का, ये जो चिकनगुनिया वगैरह जितने रोग होते हो ना हो, एक मैंने मेरा ड्रीम प्लान था। आईआईटी का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वकील भी हूँ, मन में इच्छा है काम करने की, सेवा करने की। मेरे पिता आध्यात्मिक घुबक्कर थे, स्पिरिचुअल वॉन्डरर, तो हम पले बड़े उसी माहौल में कि कैसे भला करना है, कैसे अच्छा करना है, कैसे क्या करना है। जितने तरह को संतों का नाम आप लेंगे हम उन्हें गोद में खेले हुए हैं, घर से महेश योगी, देवराहा बाबा, अंकुर ठाकुर, राधा स्वामी सत्संग व्यास, आप ओसो, माय फादर लिव्ड विद ऑल ऑफ दीज पीपल, तो हम तो उसमें पले बड़े। तो मेरे मन में बड़ी गहरी तमन्ना और इच्छा थी कि हे परमात्मा मुझे इस बार काउंसलर दे देना चुनके, तो काउंसलर और हम मिल करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे माननीय विधानसभा में कि वो देखने को होगा ना हो पाए। अब ये आगे भी चुनाव आएंगे सांसद का, फिर विधायक का, तो आपको वो ख्याल रखना है 5 साल में एक बार जो आपको मौका मिलता है, बाकी पूरा 5 साल मेरी जिम्मेवारी, आपकी एक बार की जिम्मेवारी। डील तो अच्छी है, अच्छी डील है ना, इसको कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। और आपकी वोट की जो ताकत है ना, आप इसको अंडरमाइन मत करिए, हम इतने कैजुअल होते हैं उस वक्त, हाँ भाई साहब किसको वोट देना है उसको क्यों पूछ रहे हो, कि आपका अपना अनुभव नहीं है कि भाजपा ने आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया पीछे, काउंसलर के चुनाव के अंदर भाजपा ने कितना साथ दे दिया आपको, आपका अनुभव अपना गहरा अनुभव नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हो उनको। क्या ये सड़क अच्छी हो गई, क्या सफाई हो गई, क्या पार्क ठीक हो गया, क्या पार्किंग ठीक हो गया, क्या स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो गए, क्या वो बिल्डिंग बनते वगैरह पैसा नहीं मांग रहा, आपका अपना अनुभव है। और वोट की ताकत बहुत गहरी है, एक ही तो ताकत है आपके पास, आप उसको ऐसे गवा देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने कहा था मित्तल जी से, गुप्ता जी से कि भैया मैं तो आके बात करूंगा, नहीं तो मेरा मन तो टूटा हुआ है आपके यहां से। कहते जी ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे टू वे ट्रैफिक, मैं जिंदा हूं तभी आपका काम होगा पॉलिटिकली, और आप एक बार सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो काम नहीं होगा।
अगर मान लीजिए कि खुदा ना खास्ते पे नहीं रहता हूं आपके विधायक, अब आप बहुत दिन याद करो जब जब आप जब विधायक हुआ करता था कितनी जल्दी मीटिंग होती थी, कितना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल था आदमी, कितने विजन्स थे उनके। अगर कोई 15 साल विधायक रह जाना यहाँ पे, 15 साल कोई रहा है आपके विधायक, 15 साल में तो जी काया पलट हो जाएगा पूरे व्यवस्था का, काया पलट, ये बात करता हूं मैं, गारंटी देता हूं आपको। करने को तो हो, लेकिन जब इच्छा हो कि जी वहां एक्स ब्लॉक पे मकान बनाना है और वो फ्लैट खरीद लेना है और वो लैंड डिस्प्यूटेड है उस पर कर ले, नेता कर क्या रहे हैं आपके, नेता कर तो ही रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। जब भी किसी ने बताया जी उसका कोई 9 करोड़ रुपया था किसी बड़े नेता का पिछले चुनाव के वक्त उनके एफिडेविट में, अब 140 करोड़ हो गया, तो कहां से आया पैसा, मेरा तो नहीं आ रहा, मेरा तो घट रहा है। मेरे पास एक कुल मात ताकत है प्रैक्टिस करने की, मैं प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाता हूं अब जितना पहले कर पाता था, तो मेरा तो घट रहा है, मेरे एसेट्स घट रहे हैं। तो ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम द टीवी एंड न्यूज़पेपर्स ऑन ऑल दीज रॉन्ग मैसेजेस, दैट्स माय हंबल रिक्वेस्ट। प्रॉब्लम ये है ना, ज्यादातर मीडिया हाउसेस बॉट आउट है, आइडेंटिटी तो क्या करें, वो सारी प्लांटेड स्टोरीज आर फ्लोटिंग और लोग बेवकूफ बन जाते हैं। बट आपके पास तो जीता जागता सबूत आता है, मैं भी आपको एक जीता जागता सबूत बताता हूं। किरण वालिया हमारी बहन जैसी है कि हमसे जुड़े हुए हैं, उसकी संस्था से सर्वेशन आते हमारे घर पे भी आई है। हमारे एक रिश्तेदार मूलचंद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बीपी बहुत हाई हो गया, कहता है लिफ्ट नीचे भी मैं नहीं आ सकता, मेरे घबराहट हो रही है, वो कराते हैं, कहते हैं आपके प्लेटलेट 65,000 है, 3-4 साल पहले की बात है, ये हेल्थ मिनिस्टर। तो अगले दिन हम गए मिलने के लिए, कहता 60,000 रह गए, अगले दिन गए 55,000 रह गई। मैंने फिर वालिया को बात की, कहते भैया ये सारे रिकॉर्ड दे दो, मैंने कहा दो। अगले दिन कहते हैं कि मैंने कहा आज तो बहुत चेयरफुल लग रहा है, मैंने कहा, वो कहते हैं जी आज 50,000 है। तो मैं उसको निकाल लिया चुपके से, डॉक्टर टैंकी यहाँ प्लेटलेट थे 1,98,000, अब मेरे पास 65,000, 60,000, 55,000, 50 का उन्होंने दिया नहीं, दे गॉट सस्पिशियस के मेरी सत्य किरण वालिया के मैंने पेपर भेजे। रात को उसने 11:30 बजे फोन किया, कहते भैया सो तो नहीं गए थे, मैंने कहा नहीं बोली हम, कहते भैया मैं कल रिपोर्टर भेजूँ तो वो लोग कोई और स्टेटमेंट तो नहीं लेंगे, मैंने कहा बहन जी होल्ड करो। मैंने दूसरी लाइन पे बात की, मुझे पता वो बहुत देर में सोते, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात हो, बहन जी दूसरी लाइन पे और कह रही है कि रिपोर्टर भेजूँ तो वो भाई उनको एम्बरेसमेंट ना हो इसलिए आप बताओ। कहते जी इसमें एम्बरेसमेंट वाली क्या बात है, मैंने स्पीकर फोन ऑन कर दिया दूसरे फोन से, कहते इसमें एम्बरेसमेंट वाली बात क्या है, आने दीजिए उन्होंने जो हमारे साथ किया है वो हम बता देंगे, तो सिंपल सी बात है। मैंने कहा बहन जी सुन लिया, कहते ना कोई रिपोर्टर गया ना कुछ आया, मेरे ख्याल उसकी हेल्थ मिनिस्ट्री थी। ये आपके जितने हॉस्पिटल्स हैं जितने स्कूल्स हैं प्राइवेट, दे आर द प्रेडिक्ट बेनामी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पॉलिटिशियन। ऑफ कोर्स इतना बुरा हाल है देश का जिसका कोई हिसाब नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और एक और बात बता दूं, सच ऑफ दोज हु आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट एट द एंड ऑफ द डे दे विल आउट स्मार्ट देमसेल्फ एंड इट इज द आउट स्मार्टिंग प्रोसेस स्टार्टेड, पीपल आर नाउ अवेयर। आप अक्रॉस द सेक्शन बात करिए, मैं ऐसा आदमी हूँ, रेडी वाले हैं ना ये जो होते हैं बेचारे जो बजरी रोडी और ये बैठे हैं 10-10, 12-12, उनसे बात करता हूँ, कहते हैं जी 200 रुपये भी नहीं मिलते, अब तो पहले 500-700 रुपये कमा लेते। आप किसी बंदे से बात करिए, सब आदमी पब्लिक इंटरेक्शन मैं बहुत करता हूँ, मेरा काम है, मैं आई लव टॉकिंग टू पीपल। जी जी जी, ऐसा है कि जो भाई साहब कह रहे हैं, जैसे कि अभी हमने जो किया है अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, नॉट फॉर मिडिल क्लास, नॉट फॉर लोअर क्लास, फॉर ऑल क्लासेस, भाई ऑल टेस्ट आर फ्री। लोगों ने कहा कि भैया फ्री कैसे हो जाएगा, फ्री में तो सरकार लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हमने इसका नाम दिया स्मरी, हमने कहा फ्री नहीं है ये, स्मरी है, स्मरी का मतलब स्मार्ट प्लस फ्री। नो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जो हॉस्पिटल्स की अपनी कैपेसिटी है, अब हॉस्पिटल में सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, इजुली क्या होता है सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जब आप जाते हो ना, तो दिल से कि मशीन खराब है जी बाहर से करा दो। अब जो बाहर से करा लो उससे उसका टाई अप है पीछे, तो 50% पैसा पहुंच जाता शाम को उसको। अब मुझे जैन साहब कह रहे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कि भाई साहब सारे डॉक्टर खिलाफ खड़े मेरे, क्यों अभी जो हमने कर दिया अब कह रहे हैं तो कमीशन बंद हो गया सारा।
हॉस्पिटल पे आज के तारीख में ऐसी कैपेसिटी ऐसा प्रेशर पड़ा हुआ है, इसीलिए तो आपके अगेंस्ट एफआईआर करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका करते रहे एफआईआर। आप दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल क्यों नहीं हुए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे पैसा देंगे लोग वहाँ। अब आपने रास्ता ही बंद कर दिए, अब ये क्या करेंगे, एफआईआर कराएंगे आपके। अब 30 डेज हमने कहा कि सपोज करें खुदा न करे कोई बीमार हो, किसी को ऑपरेशन जरूरत पड़े, किसी को सर्जरी जरूरत पड़ गई, अब उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि ये सर्जरी तुरंत करे, लेकिन उसका टाई अप है बाहर से, तो आपको डेट ऑफ ऑपरेशन क्या देगा, 30 दिन के बाद का, 6 महीने बाद का, तो आप तो अंडर प्रेशर है भाई, कौन वेट करेगा यार, किसी को हार्ट सर्जरी करानी है तो 6 महीने को वेट थोड़ी करेगा, अग्री मी, तो तुरंत आप कहीं प्राइवेट में जाओगे, खर्चा करोगे, उसका एक हिस्सा पहुंचेगा उसके पास। अब क्या है, हमने कहा है कि अगर 30 दिन के बाद का डेट किसी को मिल रहा अस्पताल से, तो वो ऑपरेशन सरकारी खर्चे पे प्राइवेट में हो जाएगा। आप सारे हॉस्पिटल चिंतित हैं कि उनका जो ओटी का टाइम है, दैट इज मॉनिटर्ड, एवरी मिनट इज मॉनिटर्ड, कि आपका ओटी खाली तो नहीं है, आपका जो टेस्ट का लैब है, लैब जितने लेबोरेटरी के टेस्ट हो रहे हैं, वो कहीं उसका मिनट खाली तो नहीं है, वो सब आपने वाइडली पब्लिसाइज किया था सब पेपरों में जी, तो दिया था ना ये सब। तो इसीलिए सभी साथी इस बात को ख्याल करें और आगे पहुंचा दें कि कोई भी टेस्ट कराना और सीटी स्कैन कहते हैं कि 25,000-20,000 रुपये लगता है, एमआरआई का कुछ लगता है 6,000 लगता है, 10,000 रुपये लगता है, अच्छे कॉस्टली टेस्ट कर रहे। तो जब भी कोई टेस्ट कराना हो तो चुपचाप से मेरा नंबर लेके मित्रली से गुप्ता नंबर ले लेना और आ जाना मेरे पास, मेरा अपना अस्पताल है, मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, एक आपके पास अपना हॉस्पिटल है, उसका चेयरमैन मैं ही हूँ, परमात्मा ने करी किसी को जरूरत पड़े तो, अगर पड़े तो आ जाना मेरे पास मालवीय नगर में इमीडिएटली, मिनटों में। अच्छा, वेट भी करने की जरूरत नहीं है, आप सब पढ़े लिखे हैं, घर में बच्चे होंगे जो इंटरनेट यूज करते होंगे, इंटरनेट पे जाओ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, इंटर सर्च कर लो कि दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, वो मिल जाएगा आपको लिंक, अपॉइंटमेंट लो, टाइमिंग दे देगा आपको भाई 10-15 के 20 मिनट पे आना है, 10-15 मिनट पे आना है, कोई लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं। बताओ ये कहाँ से मिलेगा, कौन सरकार दे सकता है, यही तो सबको लग रहा है कि भैया ये लोग तो जो कर रहे हैं, अभी हमारा मोहल्ला क्लिनिक रोके हुए हैं, वो लोग नहीं बनने दे रहे मोहल्ला क्लिनिक, हमने 106 बना लिया, 1,000 बनाने का हमारा और है, सब विधायकों से चला गया रिक्वेस्ट, जैसे मेरे क्षेत्र में एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है तो मैंने भेज रखा 5 का, रुके हुए एलजी साहब नहीं बनने दे रहे, तो मोहल्ला क्लिनिक बन गया। देखो आदमी के साथ जो रोजमर्रा की चीज है कि भाई दवाई ले आया, आम आदमी पार्टी दे रही है जी, स्कूल चला गया, शिक्षा में सुधार किसने किया जी, आम आदमी पार्टी ने किया, तो ये जो इम्प्रिंट हो रहा है कंटिन्यूअस, तो और पार्टियां नहीं चाहती कि ये इम्प्रिंट हो, बंद हो जाए। आपकी आपने मुझे यहाँ पे लाए हो और आपका ही दायित्व है कि आगे भी रखो, मैं जिंदा हूं तो आप जिंदा हो बता दो। जिस दिन आम आदमी पार्टी अभी जो अगर आपने चेंज किया होगा, हमारे कुछ साथी जिन्होंने राजनीति अनुभव किया है, हमारे कारण ही और पार्टी के नेता भी थोड़े मोल्ड हुए हैं, आपको रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, थोड़े आने लगे हैं, बीच बीच में पूछने लगे, थोड़े झुक गए हैं। अगर हम ना रहे ना तो जैसे वो राजा महाराजा बन के घर बैठे रहते थे वैसे ही बैठ जाएंगे फिर से दोबारा। इसलिए राजनीतिक तौर पे हम लोग आपके लिए संजीवनी बुद्धि है बांधे जी। तो मुझे दिल की बात ये कहनी थी कि जी कृपया करके जब एक बार मेरा मौका आया करे तो साथ दिया करो। अब आप जितने साथियां हैं अब आपका दायित्व है कि इस बात को घर घर तक पहुंचाएं कि जी सोमनाथ भारती आया था, दिल की बात कह गया भाई साहब। बात में अगर आपको लगा हो कि मैं सत्यता बोल रहा हूं तो इस बात को बोलिएगा। देखिए मेरे पास मैं ऊपर वाला गवाह है, पैसे नहीं है, अब कहां से मैं चुनाव के वक्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जी वो पोस्टर चिपकाने थे, सभी सोच रहे थे पोस्टर चिपकाए, पैसे खत्म हो गए। मैं मॉर्निंग मेडिटेशन करता हूँ, 5 to 6 आई मेडिटेट एंड देन स्टार्ट माय डे। मैं ध्यान में कहा कि क्या कर रहे हो यार, कुछ तो पैसे कहीं से आए, कोई तो डोनेशन दे भाई, कम से एक एक लाख रुपया लगेगा तीनों को, 3 कैंडिडेट हमारे थे। मैं ध्यान से उठा
और फोन आया मेरे एक दत्ता मजूमदार करके एक हमारे वॉलंटियर हैं, कहा भाई साहब एक